राज्यसभा सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश को बरही जाने के क्रम में हजारीबाग सीमा पर रोक दिया गया। भाजपा नेता कपिल मिश्रा को भी 2 दिन पहले रांची एयरपोर्ट परिसर में रोक दिया गया था और उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस दिल्ली भेज दिया गया था। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को ही हजारीबाग जिला प्रशासन के कहने पर रोका गया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार अपनी तुष्टिकरण नीति के बाद अब तानाशाही नीति पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि रुपेश पांडे के परिजनों से मिलने जाने के क्रम में मुझे राज्य सरकार के इशारे पर प्रशासन द्वारा हजारीबाग सीमा पर रोक दिया गया है। और इस मामले की हत्या के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी इस जनता की अभिव्यक्ति की आवाज़ बनी है और सभी लोग हम सब लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं उसको न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार में। उसी सिलसिले में आज उनका 12वां है रुपेश पांडे जी का, और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से, एक सांसद होने की हैसियत से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से राज्य की सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था ये करती है राज्य की सरकार की, इसमें कभी में रोकने का मुझे काम किया है। ये लोकतंत्र के गला घोटने वाली प्रवृत्ति है, ये नादिर शाही और तुगलक शाही का एक मानसिकता है। और राज्य की सरकार डरी हुई है झारखंड की जनता से और झारखंड की जनता की बातों को समझने का प्रयास नहीं कर रही है, झारखंड की जनता के आक्रोश को समझने का प्रयास नहीं कर रही है। और दुर्भाग्य इस बात का, उसी स्थान पर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के और आरजेडी के मंत्री और उनके नेता गए, उनको रोका क्यों नहीं किया गया? और मुझे मैं एक सांसद भी हूँ, जनप्रतिनिधि भी हूँ, मुझे रोकने का काम इसलिए किया जा रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इसलिए यह सरकार पूरी तरह से तुगलक शाही प्रवृत्ति का परिचायक है और यह सरकार अब ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी, क्योंकि यह सरकार जनता के आक्रोश के निशाने पर है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।